हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं कविता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा आपकी इच्छा पूरी करें। तो हम आज जा रहे हैं यहाँ पे एक भाईपुर, मतलब वैसे तो उसको मेहंदीपुर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहीं पे भाईपुर के पास है, यानी भाईपुर ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ननिहाल भी है, यानी मेरे जो मामा जी हैं वो यहीं पे हैं, आसपास ही। ये दनकौर के पास पड़ता है। तो वैसे जब हम बचपन में बहुत बार गए थे, मैं अपने गांव से भी गई थी और अपने मामा के यहाँ से भी मैं बहुत बार जा चुकी हूँ, क्योंकि मामा के यहाँ से तो वॉकिंग डिस्टेंस पर पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम जा रहे हैं, हम हैं और दो लोग और हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ हमारी सोसाइटी से ही। तो हम जा रहे हैं, अनुज जी पहली बार जा रहे हैं वहाँ पर। तो काफ़ी, कितनी किलोमीटर है आप यहाँ से? हमें लगभग, और हमें लगभग 40 किलोमीटर दूर पड़ा वो, मतलब गांव जैसा एरिया ही है। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी की और उसके बाद हम चल दिए मंदिर की तरफ को। काफ़ी दूर हमें पैदल भी चलना पड़ा, उसके बाद हम मंदिर में पहुँच गए। तो वहाँ पे क्या था कि एक तो कल कांवर भी चढ़ रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लंबी लंबी लाइनें लगी थी। जो कांवर चढ़ा रहे थे, कांवर लेके आए थे, उनकी तो थी लाइनें अलग थी वो तो, लेकिन जो गांव के लोग थे, जैसे आसपास के गांव होते हैं, उनके लोग, उन लोगों की अलग लाइनें बनी थी। तो पुलिस थी चारों तरफ को, ताकि कोई धक्का मुक्की ना करे, अपने हिसाब से सब लाइन में ही चलें, क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ होती है ना तो पुलिस को ही कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है। इसीलिए वहाँ पे लेडीज़ पुलिस, जेंट्स पुलिस सब थे और अच्छे से वो उनको हैंडल कर रहे थे। तो हम भी चले गए, हम भी लाइन में लगे और उसके बाद अपने दर्शन करके, पूजा पाठ करके हम घर की तरफ चल दिए। बाकी का मैं इसमें वॉइस नहीं डालूंगी, आप खुद ही देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने वॉइस वहाँ से कट कर दिया है। ये देखिए पूरा ना यहाँ पे, पहले, अब तो मैं काफ़ी सालों बाद आई हूँ, क्योंकि लगभग 10 साल पहले मैं यहाँ आई थी। मेरी मामा जी की लड़की की शादी थी, तब मैं शादी में आई थी, उसके शादी में से ही मैं यहाँ पे आई थी, तब शिव चौदस पड़ी थी, ठीक है? तो महाशिवरात्रि, तो हम आए थे यहाँ पे, उसके बाद मैं अब आई हूँ। तो अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया, अब तो पहचानने में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे अब बहुत भीड़ भाड़ सी है। तब ये यहाँ पे भीड़ नहीं होती थी इतना, तब खाली रहता था, ये झूले वगैरह भी अंदर को लगते थे। लेकिन अभी ये पूरा एरिया है जो, वो पूरे में लोगों ने अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाई हुई हैं और गाड़ियां भी चारों तरफ को दिख रही हैं, लेकिन ये पूरा एरिया खाली रहता था उस टाइम पे। तो वो ये चेंजेस तो आते ही हैं, बट हाँ कुछ बना नहीं है यहाँ पे। जैसे खाली था ना, ऐसे शायद हो सकता है प्लॉटिंग वगैरह हुई हो यहाँ पे, क्योंकि अपनी अपनी बाउंड्रियाँ वहीं पड़ी हैं, तो यहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ी करने के लिए शायद परमिशन दे रखी है। बाकी ये खाली एरिया है, जो यहाँ पे पहले बिल्कुल कुछ नहीं था, ये पूरा ही खाली। और यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं अपनी इच्छा लेकर, और भोले बाबा इनकी, उनकी इच्छा पूरी करते हैं, मतलब बहुत मान्यता है इस मंदिर की, तभी यहाँ पे इतनी भीड़ होती है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आप वीडियो एंजॉय कीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार आए हो तो।
खड़े हैं। कहाँ से चलना है? प्रसाद ले लेना, प्रसाद तो यहीं से लेना है ना। पचास रुपए गुप्त दान, भोले बाबा इनकी मनोकामना पूरी करें। भक्तों को सूचित किया जाता है कि आलोचन बहन के मंदिर का अंदर न जाए। 20 रुपए गुप्त दान मंदिर के लिए। अरे कोहना कोहना देखो, दान दाता दान कार्यालय नंबर है, देने में देने का कष्ट करें। दान दाता दान कार्यालय नंबर 1 में ही दें। भक्तों को सूचित किया जाता है कि आलोचन पहन के मंदिर के अंदर न जाएं।